Hi guys, welcome to the second episode of Gaming Comparison. Here we go again. लास्ट टाइम मैंने GTA 5 के ओरिजिनल को पार्टी से कंपेयर किया था एंड दिस टाइम मैं GTA San Andreas के मोबाइल वर्जन एंड पीसी वर्जन में डिफरेंसेस बताने वाला हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मोबाइल पे खेला है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पीसी में खेला है। तो दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, कौन सा बेटर है दोनों में से, वही मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और आज मैंने 30,000 लाइक्स का टारगेट रखा है, आई होप कि आप करवा दोगे एंड साथ ही चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर देना ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय विंग्स फैंटम वायरलेस ईयरबड्स। ये वायरलेस ईयरबड्स हैं जो कि स्पेशली गेमिंग के लिए बने हैं। आप इनका डिजाइन एंड LED लाइट्स देखोगे तो बहुत ही कूल लगते हैं देखने में। इन ईयरबड्स में दो मोड्स हैं, म्यूजिक मोड एंड गेमिंग मोड। गेमिंग मोड में 65 मिलीसेकंड से कम की लेटेंसी है। अब ये लेटेंसी वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लेटेंसी ज्यादा हो ना तो जो गेम में चल रहा है उसकी आवाज आपको देर से आएगी। एंड अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव गेम खेल रहे हो जिसमें फुटस्टेप्स की आवाज सही टाइम पे आनी जरूरी है, तो उसमें लेटेंसी बहुत मैटर करती है। अब जनरली ये देखा गया है कि 100 ms से कम की लेटेंसी सही रहती है, लेकिन ये ईयरबड्स तो आपको 65 ms से कम की लेटेंसी दे रहे हैं, जिससे आपका गेम का एक्सपीरियंस और बेटर हो जाएगा। लेकिन हाँ, इस लो लेटेंसी का फायदा उठाने के लिए आपको गेम मोड चालू करना पड़ता है, जिसके लिए आप लॉन्ग टच करके ईयरबड्स को ऑन कर लीजिए और फिर डबल टैप करके मोड चेंज कीजिए। जब आप म्यूजिक मोड से गेमिंग मोड में आ जाओगे तो ईयरबड्स आपको खुद बताएंगे कि गेमिंग मोड लग गया है। मैंने इसको यूज करते हुए घंटों गेमिंग करी है एंड मेरे साथ इसका एक्सपीरियंस बेटर ही रहा है। साथ ही वायर्स को संभालने का झंझट भी खत्म हो जाता है, जो इंटेंस मैच में काफी परेशान करती थी। इसको चार्ज करने के लिए काफी कूल सा केस दिया गया है, जिसके लिए टाइप सी केबल भी है। एंड अगर आप ईयरबड्स चार्ज नहीं कर रहे हो तो इसे एज अ फोन स्टैंड भी यूज कर सकते हो। तो आप इस प्रोडक्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही इस पे आपको 1 year की डोर टू डोर रिप्लेसमेंट वारंटी भी मिलती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि GTA San Andreas का PC वर्जन 2004 में आया था और मोबाइल के लिए आया 2013 में। तो दोनों वर्जन में 9 से 10 साल का डिफरेंस है, जिसकी वजह से काफी चेंजेस मिल सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि आपका जो मनी काउंटर है उसे चेंज किया गया है, मतलब पीसी वाले में एक्स्ट्रा जीरोस लगी होती हैं और उसके बाद हमारी मनी दिखती है, पर मोबाइल वाले में ये चीज़ इम्प्रूव कर दी गई है। इसमें एक्स्ट्रा जीरोस नहीं दिखती और सिर्फ हमारी एक्चुअल मनी ही दिखती है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पूरे हुड को चेंज किया गया है। हुड का मतलब होता है हेड्स अप डिस्प्ले, मतलब जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होता है, जैसे कि हेल्थ, मनी, गन एटसेट्रा। तो आप देखोगे कि इस हुड के लेआउट को चेंज किया गया है ताकि ये मोबाइल डिवाइसेस को सूट कर सके। एंड ओवरऑल मैं तो मानता हूँ कि यार अब ज्यादा क्लीन ही लग रहा है। और फिर ये भी है कि मोबाइल वाले में ना डिस्प्ले पर ही बटन्स होते हैं, इसलिए उन्होंने उसे फिट करने के लिए बाकी एलिमेंट्स को मूव कर दिया, जैसे कि मिनी मैप की पोजीशन भी चेंज कर दी गई है। देन आप देखोगे कि ग्राफिक्स में थोड़ा फर्क है। जो मोबाइल वाला GTA San Andreas है उसमें आपको CJ एंड दूसरे करेक्टर्स की फिंगर्स देख सकती हैं, जबकि PC वाले में ऐसा नहीं था, वो सारी फिंगर्स एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती थी। अब 2004 में ज़्यादा टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से लो ग्राफिक्स से मॉडल डाले गए होंगे, पर 2013 तक आते आते टेक्नोलॉजी काफ़ी बेटर हो गई है। ये सोचो कि उसी ईयर में GTA 5 आया है, इसलिए ये जो फिंगर्स वाली चीज़ है उसे अलग बनाना, उसे और इम्प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब सिर्फ ग्राफिक्स ही नहीं बल्कि टेक्सचर्स का भी काफ़ी डिफरेंस आ गया, जैसे कि कुछ कुछ जगहों के टेक्सचर्स को काफ़ी अपग्रेड किया गया या फिर चेंज ही कर दिया गया। आप देखोगे कि जिम के जो इक्विपमेंट रखे होते हैं उनके टेक्सचर्स काफ़ी अलग हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि GTA San Andreas का जो PC वर्जन है वो HD के ज़माने का नहीं था, इसलिए काफ़ी सारे टेक्सचर्स उसके उस टाइम पर ब्लरी थे, लेकिन मोबाइल में आप देखोगे कि उन सभी को अपग्रेड कर दिया गया है और अभी काफ़ी क्लियर लगते हैं टेक्सचर्स देखने में। इवन अगर आप कार को डैमेज भी करोगे ना तो ब्रोकन विंडोज़ भी काफ़ी अलग लगेंगी एज़ कम्पेयर टू द PC वर्जन, बल्कि काफी इम्प्रूव्ड ही लगेंगी। अब मोबाइल वर्जन में सॉन्ग्स में बहुत चेंजेस आए हैं, जैसे कि उन्हें हटा ही दिया गया, मतलब बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि हम रेडियोज वगैरह पे सुना करते थे, जो कि कुछ कुछ लोगों के फेवरेट भी बन गए थे, बट उन्हें हटा दिया गया है। और इसलिए एक नेगेटिव पॉइंट है मोबाइल वर्जन का, जो कि बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया। फिर एक बहुत ही अच्छा फीचर है मिशन चेक पॉइंट्स का। जैसे हम GTA San Andreas के PC वर्जन में कोई मिशन कर रहे होते हैं और वो बाय चांस फेल हो जाता है तो पूरा मिशन दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, और ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है, खासकर उन मिशंस में जिन्हें क्लियर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एंड इतनी बार एक ही मिशन को करते करते दिमाग खराब हो जाता है। पर GTA San Andreas के मोबाइल वर्जन में इस चीज़ को इम्प्रूव किया गया एंड उसमें मिशन चेक पॉइंट्स डाल दिए गए हैं, जिसका मतलब अगर आप कोई मिशन कर रहे हो तो मिशन के बीच बीच में ही वो सेव होता जाएगा, जिसका मतलब अगर आप एक मिशन में फेल होते हो तो पूरा मिशन दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बस लास्ट चेक पॉइंट पर ही लोड होगा गेम। ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो मोबाइल वर्जन में इसलिए आया क्योंकि 2013 में आया भाई गेम ऑब्वियसली, एंड तब तक तो रॉकस्टार गेम्स ने 2008 के GTA 4 में भी इसे इंप्लीमेंट कर दिया था। GTA San Andreas के PC वर्जन में अगर आप वेस्टेड हो जाते हो तो आप हॉस्पिटल्स के बाहर मिलोगे। अब इसमें आपके वो पैसे तो ले ही लेंगे, साथ ही वेपन्स भी ले लेंगे, लेकिन GTA San Andreas के मोबाइल में हॉस्पिटल वाले आपके वेपन्स कन्फिस्केट नहीं करते, तो ये भी मोबाइल का अच्छा फीचर है। बस हाँ, वेपन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो एक चीट कोड डालकर भी दोबारा मिल जाते हैं।
अब मोबाइल वर्जन का एक खराब फीचर है कि एम्बुलेंसेज एंड फायर ट्रक्स इमरजेंसी पे रिस्पॉन्ड नहीं करते। मतलब अगर कहीं पे आग लगी है या कोई एनपीसी मर जाए तो एम्बुलेंस नहीं आएगी। इसकी वजह से थोड़ी रियलिज्म कम हो जाती है गेम की। एंड पता नहीं क्यों रॉकस्टार वालों ने ऐसा क्यों किया। मे बी हो सकता है कि मोबाइल वर्जन में लिमिटेशंस होंगी। वैसे भी 2013 के फोन्स तो आज के फोन से बहुत कमजोर हुआ करते होंगे, इसलिए कुछ फीचर्स काट लिए होंगे। फिर एक बड़ा चेंज है इसके इन गेम मेन्यू का। जब आप बार बार की शॉप पे जाते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हेयर स्टाइल के। अब इस मेन्यू को मोबाइल के लिए बिल्कुल चेंज कर दिया गया, जो कि सेंस भी बनाता है क्योंकि मोबाइल डिवाइसेस में टच स्क्रीन होती है जिस पर हमें टैप करके या स्वाइप करके अपना काम चलाना होता है। पीसी की तरह बटन्स तो होते नहीं है, इसलिए इन गेम मेन्यूज अलग है। एंड इवन बार्बर शॉप ही नहीं बल्कि एम्यूनिशन, क्लोथिंग स्टोर, टैटू पार्लर, रेस्टोरेंट्स, हर जगह के मेन्यूज को चेंज किया गया है। फिर इन गेम मेन्यू के साथ साथ मेन मेन्यू भी स्क्रैच से दोबारा बनाया गया। एंड उसका भी सेम ही रीजन है कि ये मोबाइल गेम है, इसलिए इसमें साइड एंड टैप वाला मेन्यू है और ये देखने में अच्छा भी लगता है क्योंकि मॉडर्न है एंड मोबाइल के लिए परफेक्ट है। लेकिन मोबाइल वर्जन के कंट्रोल से लोगों को बहुत शिकायत है। मतलब मैंने कई जगह ऐसे रिव्यूज पढ़े हैं कि इसके कंट्रोल्स और ज्यादा बेटर हो सकते थे। अभी प्रॉब्लम भी ना थोड़ी मोबाइल की है कि उसमें इतने सारे बटन्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होते हैं जिसकी वजह से उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है एंड इश्यूज आते हैं। उसके उलट पीसी में तो फिर भी एक सेपरेट माउस एंड कीबोर्ड होता है जो कि हमारे लिए काफी कंफर्टेबल लगता है। एंड कंट्रोल्स में अगर नॉर्मल मूवमेंट एंड व्हीकल कंट्रोल्स के आधार डाल भी लें तब भी जो उसके फ्लाइंग कंट्रोल्स है वो अच्छे नहीं है। फिर आप नोटिस करोगे कि पीसी वर्जन में अगर आप कैमरा रोटेट करते हो तो कार का हेड मूव नहीं करता, लेकिन मोबाइल वर्जन में कैमरा रोटेट करने पर कार का हेड भी साथ साथ मूव करता है जो कि काफ़ी रियलिस्टिक लगता है। ऐसे पीसी वर्जन में भी हेड रोटेट करने का फीचर है, लेकिन उसके लिए आपको नमपैड का 4 प्रेस करके रखना पड़ेगा और तभी वो रोटेट करेगा, वरना वो नहीं करेगा। मोबाइल वर्जन में डायनेमिक शैडोज डाली गई हैं जो कि पीसी से तो बहुत ही बेटर है। मतलब प्लेयर्स, कार्स एंड दूसरे ऑब्जेक्ट्स के डायनेमिक शैडोज हैं जो कि पीसी वर्जन में इतनी अच्छी नहीं थी एंड इसमें रिफ्लेक्शंस भी बेटर है। अब एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है चीट कोड्स का। पीसी वर्जन में चीट कोड डालना इजीएस्ट है, इसमें बस गेम चलते चलते हमें टाइप करना है, लेकिन उधर मोबाइल वर्जन में कोई कीबोर्ड तो होता नहीं है जिसमें आप चीट कोड टाइप कर लो, इसलिए ये सबसे बड़ी कमी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जीडीएस और इंडिया से मोबाइल में चीट कोड्स डाल ही नहीं सकते, आप डाल सकते हो कुछ थर्ड पार्टी ट्रिक्स का या फिर मॉड्स का यूज करके, लेकिन वो इतना ईजी नहीं है जितना पीसी में है। मोबाइल वर्जन में आप गाड़ी में बैठे लोगों पर भी ऑटो एम कर सकते हो जो कि बहुत ही काम का फीचर है। पीसी वर्जन में ऐसा नहीं होता था, लेकिन ये भी है कि हम पीसी में माउस से इजीली फ्री एम करते थे, बट मोबाइल में इतने सारे कंट्रोल्स के साथ फ्री एम करना मुश्किल है और इसीलिए उसमें ऑटो एम डाल रखा है। तो मैंने आपको बता दिया कि जीडीएस एंड एनएस के मोबाइल एंड पीसी वर्जन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अगर मुझसे कोई डिफरेंस मिस हुआ हो तो कमेंट्स में बताना। उसके अलावा मुझे ये बताओ कि दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर लगता है आपको। वैसे ये तो मानना पड़ेगा कि जीडीएस एंड एनएस मोबाइल ग्राफिक्स, टेक्सचर्स एंड कुछ और फीचर्स में बेटर है, लेकिन फिर भी उसमें काफी सारी चीजें हटा दी गई हैं। मतलब दूसरी कंपनीज क्या करती हैं कि वो अपने गेम्स को जो मोबाइल पर निकालती हैं तो उसके ग्राफिक्स को कम कर देती हैं, लेकिन उसके उलट है रॉकस्टार जिसने मोबाइल गेम बनाया बेटर ग्राफिक्स एंड टेक्सचर्स के साथ। ये अजीब ही रॉकस्टार लॉजिक है। खैर ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आज के फोन 2004 के कंप्यूटर से बेटर हैं। वैसे मुझे लगता है कि रॉकस्टार चाहता तो जीटीएस एंड एनएस के पीसी वर्जन को भी मोबाइल वाले की तरह इंप्रूव कर सकता था, बट पता नहीं उसने ऐसा क्यों नहीं किया। एटलीस्ट चेक पॉइंट का सिस्टम ही डाल देते। लेकिन उसने रिमास्टर इसलिए भी नहीं किया होगा कि फिर जीटीएस एंड एनएस का मजा चला जाता, क्योंकि उसकी कमियां भी हमें नॉस्टैल्जिक फील कराती हैं। तो बस गाइस यही था आज की वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, 30,000 लाइक्स का टारगेट है। आई होप कि आप करवा दोगे एंड साथ ही चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर देना ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।